शहर हैदराबाद में शब बारात के मौके पर जायरीन की सहूलत के लिए कब्रस्तानों में खसूसी इंतजाम किए जाते हैं। साफ सफाई, इजाफी लाइटिंग, गेट पर हिदायत नामे के लिए बोर्ड आवेदन करना, साथ ही जायरीन से पुलिस और रजाकारों के साथ ताउन की अपीलें भी की जाती रही है। हर साल वक्फ बोर्ड की जानिब से इस तरह के इंतजाम किए जाते हैं और शहर हैदराबाद के कई कब्रस्तानों में इस साल भी शब बारात के मौके पर जायरीन की सहूलत के लिए कब्रस्तानों में साफ सफाई के खसूसी इंतजाम किए गए हैं और कहीं कहीं पर कब्रस्तानों में इजाफी लाइटिंग भी लगाई गई है। शहर के कई कब्रस्तानों में साफ सफाई अमल में नहीं लाई गई। वक्फ बोर्ड की जानिब से हर साल इस जानिब तवज्जो दी जाती है और इंतजाम का जायजा लिया जाता है। इस बार वक्फ बोर्ड की जानिब से कब्रस्तानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। कुछ कब्रस्तानों में मुतवली की जानिब से काम अंजाम दिए गए और जहाँ भी मुकामी अवामी नुमाइंदे कब्रस्तानों के मुतवली हैं, यहाँ के काम अंजाम नहीं दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने कुछ कब्रस्तानों का दौरा करते हुए यहाँ के हालात जाने हैं। कुछ कब्रस्तानों में साफ सफाई अमल में लाई गई, लेकिन कुछ कब्रस्तानों में साफ सफाई अमल में नहीं लाई गई है। पेश है इस खसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और कब्रस्तानों में काम अंजाम देने वालों के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। साहब, आपका नाम? साहब अहमद यूसुफ। हाँ यूसुफ साहब, ये कौन सा कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान का नाम रामपली का। जी। अभी यहाँ पर सफाई कैसी चल रही है? यहाँ पर सफाई तो नहीं चल रही भाई, कुछ भी नहीं है, सब झाड़ा हुआ चीज़ें, फूल कैसा चढ़ाना चाहिए। सब लोग आते रात में नमाज पढ़ लेके, फातिहा दी ये बात, नमाज पढ़ लेके आते हैं। आप लोग क्या है, इंक्वायरी भी नहीं कर रहे, झाड़ा भी नहीं काट रहे, कैसा फूल चढ़ाना और कैसा कैसा करना है ये बोलिए, आप ही बोलिए साहब। देखिए पूरा झाड़ा ऐसी छे, पूरे झाड़ा ऐसी छे, कैसा करना साहब? आपका नाम? साहब मोहम्मद गौश। हाँ गौश भाई, अभी ये कब्रिस्तान के अंदर किस तरह से काम चल रहा है? अभी ये कौन सा कब्रिस्तान है? ईदगाह का कब्रिस्तान है जी। हाँ, यहाँ पर क्या क्या काम है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह साफ सफाई हो गई, उठना पड़ गया, झाड़ा होना थोड़ा बहुत साफ सफाई हुई, पूरा कब्रिस्तान दिख रहा है। जैसा पीछे अभी झाड़ा दिख रहे हैं, कुछ झाड़ा जैसे काट के रखे हुए, वो आते आते काटते आते बोलते बोले नहीं आए। बोले कितने दिन पहले काटे वो? कल परसों आए थे जी, आए थे साफ सफाई करते थे। आगे मत के भी लड़ा नहीं आ रहे, कब्रिस्तान के भी लड़ा नहीं आ रहे, ये सलाजिन बाबू की गली में लड़ा नहीं आ रहे, रोड पे गए, पूरे परेशानी हो रही लोगों को, लोग कंप्लेन करा रहे, बल्दिया के लोग भी नहीं आ रहे, बोलो तो आगे आ रहा हूँ, नहीं आ रहा है, जगह की रात भी है जिम्मे को, आ बोले तो नहीं आ रहे, पर झाड़ा भी फेंक दिया, देखो जाके देखो, MLA साहब को भी इजाजत देना है, पूरे MLA साहब को, MP साहब लगा के हो जाता है, बल्दी वाले भी आ रहे भी नहीं है, पिता भी कंप्लेन करा था, फोन करा तो भी नहीं आ रहे, अरे उनको बोलो बोल के नहीं आ रहे। इंशाल्लाह कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं आप? 10 तारीख से पूरा, एक महीना भी हो गया, एक महीने से भड़के भी हो गया, ये इंशाल्लाह काम नहीं हो रहा है। ये कौन सा एरिया है? मिलान तालाब इज्ञागन, पूरे इंशाल्लाह ये पूरा काम हो रहा है, ये काम अभी नहीं हो रहा है, ये बल्दिया को फोन करो तो भी नहीं आ रहे, ना कुत्तों की गाड़ी आ रही है, ना मोड़ी होंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मंजूर है जी। ये कौन सा कब्रिस्तान है? ये ITI का कब्रिस्तान है, रमनसपुरा पूरा टच होता है यहाँ पे, रमनसपुरा बिलाल नगर। ये कब्रिस्तान में किन किन चीजों की कमी है? यहाँ पे साफ सफाई कुछ भी नहीं हुई, अभी जैसे का वैसे कचरे के कुप्पे, वैसे पत्ते वत्ते पड़े हुए है, फिर पलट के लाइटां तो कुछ भी नहीं है, आप देख सकते एक भी लाइट नहीं आ रही वहाँ पे, एक फोकस वहाँ है तो एक फोकस एक कोने को है। अभी ये कब्रिस्तान में नैने बोलते 10 से 15 खम्भे है, उसमें सिर्फ 4-5 खम्भों पे लाइटें चाह रहे हैं, सो है आप देख सकते, ज़्यादा साफ सफाई कुछ भी नहीं हुई अब तक के, कुछ लाइट का भी काम नहीं हुआ, और खबरों के बाजू में आप देख सकते पूरे कचरे के कुप्पे लगे हुए है, वहाँ देखिए मैं अभी आया। मेरे वालदा और मेरे नानी की तो खबर है यहाँ पे, मैं उनको चुना मारने के वास्ते आया, देखा तो क्या पूरा कचरा पट्टी जैसे का वैसी छे, कुछ भी ना उठा यहाँ पे, और लाइटां भी एक दो इंच लगे हुए, ज़्यादा भी नहीं है, एक दो कोने कोने को। ये कब्रिस्तान में 10 से 15 पोला है। आपका नाम? अख्तर। अख्तर भाई, कौन सा एरिया है ये? ये काला पत्थर जी। यहाँ पर ये कब्रिस्तान में किन किन चीज़ों की कमी है? यहाँ पर बहुत चीज़ों की कमी है, यहाँ सही साफ नहीं हुआ, हर साल कुछ लाइटां डालते, ये साल लाइट कुछ भी नहीं डालाएगा। और क्या क्या चीजों की कमी है? और ये अभी साफ सुथरा तो भी नहीं दिख रहा है, इधर चुना नहीं मारे, इधर
अभी चुना ना कुछ भी नहीं मारे, लाइटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर साल कुछ साल अच्छा करते थे, ये साल कुछ भी नहीं दिख रहा है।